नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और सभी टीमें अपनी अपनी मजबूत प्लेइंग 11 बनाना शुरू कर दी हैं। सभी की नज़रें अब आईपीएल पर है और सही टीम कॉम्बिनेशन पर है, साथ ही एक सटीक प्लेइंग 11 जो मैदान पर उतार सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आईपीएल 2020 में, ये सारी बातचीत हम यहाँ पर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आरसीबी टीम के फैन हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप सभी के हिसाब से आरसीबी टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल 2020 से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आरसीबी ने ऑक्शन में फिंच और मॉरिस जैसे कुछ अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। आरसीबी ने कुल 8 खिलाड़ियों को खरीदा। वहीं फिंच के आने से इनका टॉप ऑर्डर और मजबूत नज़र आ रहा है। निचले क्रम में इनके पास मॉरिस और शिवम दुबे के रूप में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, जो अपने योगदान से टीम को मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी इन्होंने इस बार डेल स्टेन, केन रिचर्डसन और इसरू दाना को खरीद कर गेंदबाजी लाइनअप में मजबूती लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों में से आरसीबी टीम की परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें ओपनर्स की, तो इस बार आरसीबी के लिए एरन फिंच और पार्थिव पटेल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टीम ने फिंच को खरीदा है तो वो कंफर्म खेलेंगे ही। फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और उन्हें आईपीएल खेलने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है, इसलिए पार्थिव पटेल और फिंच ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देवदत्त पड्डीकल, कर्नाटका के सिवा बल्लेबाज, ने इस सीजन शानदार बल्लेबाजी की है। पड्डीकल को आरसीबी टीम ने रिटेन भी कर लिया था, इसलिए ओपनर के रूप में ये भी एक बेहतरीन विकल्प होंगे। इसके बाद दोस्तों, 3 नंबर पे टीम के कप्तान विराट कोहली खेलेंगे। कोहली आरसीबी के लिए ज़्यादातर ओपनिंग करते हैं, लेकिन फिंच, पड्डीकल और पार्थिव पटेल समेत ओपनर्स के ज़्यादा ऑप्शन होने से कोहली 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों, 4 पे सबके चहेते एबी डिविलियर्स खेलते हुए नजर आएंगे। 5 पर मोइन अली, 6 पर शिवम दुबे, 7वें नंबर पर क्रिस मॉरिस खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 8 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, 9 पर उमेश यादव, 10 पर युजवेंद्र चहल और 11वें नंबर पर नवदीप सैनी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेइंग 11 आरसीबी की शुरुआती कुछ मैचों के लिए हो सकती है। अगर बाई चांस ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो टीम के पास डेल स्टेन, केन रिचर्डसन और इसरू दाना मौजूद है। वहीं भारतीय खिलाड़ी में भी पवन नेगी और सिराज जैसे विकल्प ऑलरेडी हैं। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो है 4 ओवरसीज प्लेयर को लेकर, जहाँ पर दोस्तों 4 विदेशी खिलाड़ी चुनने में टीम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस टीम में फिंच और एबी डिविलियर्स तो कन्फर्म खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अंत में क्रिस मॉरिस को भी टीम खिलाना चाहेगी, क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के अलावा मॉरिस अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए अब बचती है एक जगह और वो है मोइन अली को लेकर, जिन्होंने पिछले सीजन शानदार प्रदर्शन किया था। इसलिए अगर मोइन अली को आरसीबी की टीम ड्रॉप करती है तो ही ये टीम डेल स्टेन या फिर केन रिचर्डसन को, इन दोनों में से किसी एक को खिला सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिसाब से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।